हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कीवी एन आर वर्ल्ड। सो कीवी की शुरुआत जो थी वो बेसिकली 14 जुलाई 2013 से हुई थी, बिकॉज वो हमारा इंगेजमेंट डे था और इंगेजमेंट को हमारे 9 ईयर्स होने वाले हैं इस बार ही, एंड हमारी मैरिज 24 फरवरी 2014 को हुई थी। ये हम लोग का रिसेप्शन नहीं था, बट एक छोटा सा फैमिली डिनर सब लोगों ने किया था। सो मैं आपको तब की 2014 की फ़ोटोग्राफ है, ये मेरी फैमिली है, मेरे इन लॉज थे, सब लोग थे वहाँ पर, क्लोज वंस। तो शादी के बाद मैंने बहुत मज़े किए हैं लाइफ में। हम लोग की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट द ओनली थिंग विच कैरिड अस आउट वॉज यू नो आर लव, आर केयर फॉर ईच अदर। फैमिली से मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट मिला है, मेरे इन लॉज जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं मेरे करियर को लेके, मेरी बेकिंग को लेके, इवन मेरे बेबीज़ को लेके भी वो लोग बहुत प्रोटेक्टिव हैं एंड केयरिंग हैं। उनके साथ में मैंने बहुत मस्ती की है, हम लोगों ने घूमना, शॉपिंग करना, साथ में फंक्शंस सेलिब्रेट करना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, ये हम लोगों के लिए बहुत कॉमन रहा है। हम लोगों ने डोमेस्टिक भी बहुत ट्रैवल किया है साथ में, इंटरनेशनल भी ट्रैवल किया है। अभी 2-3 सालों से हम लोगों ने इंटरनेशनल थोड़ा रोक दिया था, बिकॉज उस टाइम पर मैंने अपनी मेडिकेशन स्टार्ट की थी फॉर प्रेगनेंसी, तो मैं रुक गई थी वहाँ। तब हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बट वो लोग आज भी ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। दिस इज़ आर फर्स्ट एनिवर्सरी फोटोग्राफ विथ माई मॉम, डैड, मासी, मौसा जी, एंड ये मेरा एनिवर्सरी का केक है। सो बेसिकली जितनी भी हमारी एनिवर्सरी हुई हैं उनमें से मोस्टली मैंने सारे केक्स हमेशा घर पे ही बनाए हैं, चाहे जैसे भी बने हों, बिकॉज इनिशियली मैंने इससे सीखना शुरू किया था, तब मेरे केक्स बहुत अच्छे नहीं बनते थे डिज़ाइन वाइज भी, लेकिन धीरे धीरे हर एक एनिवर्सरी पे, पार्टीज़ में, कोई भी सेलिब्रेशन हमारे घर में होता है, सो मैं केक घर में बनाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत हेल्प भी मिली है। हम लोगों ने इंटरनेशनली भी एज आई टोल्ड यू काफ़ी ट्रैवल किया है इनिशियली, सो यहाँ पर मैं आपको उसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी। सो फॉर एग्जांपल आई बीन, हम लोग हनीमून के लिए ग्रीस गए थे, देन हम लोग इटली गए थे, हमारा 11 डेज़ की ट्रैवल था फॉर इटली एंड स्विट्ज़रलैंड हम लोगों ने कवर किया था। आई बीन टू बैंकॉक, सिंगापुर एंड US, दीज आर द कंट्रीज़ जो हमने साथ में कवर की है। कुछ कंट्रीज़ हमने फैमिली के साथ कवर की हैं, कुछ हमने अपने भैया भाभी के साथ कवर की हैं, कुछ हमने सोलो भी कवर की है। ये हमारी स्विट्ज़रलैंड की फ़ोटोग्राफ है, वहाँ पर ये बहुत पॉपुलर है इस प्लेस पे जाके फ़ोटो कराना। दिस वन इज़ फ्रॉम द लेक कोमो, जहाँ पर दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की शादी हुई थी, और ये लेक सच में बहुत ब्यूटीफुल थी और पर बहुत एक्सपेंसिव थी। दिस अ वेरी स्पेशल फोटोग्राफ बिकॉज इस दिन मुझे पता चला था दैट आई एम प्रेगनेंट, और मेरा जो भी प्रोसेस था वो सक्सेसफुल एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बाई चांस मेरा जो ब्रदर है ही वॉज इन दिल्ली, अदरवाइज वो लोग बॉम्बे में रहते हैं। फिर मेरी मदर इन लॉ ने सिर्फ बच्चों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, ये उस पार्टी की कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने अपना जो भी मेरा काम था वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। फाइनली हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैंने एक ये पिक्चर प्रिंट कराई थी, जहाँ पर मैंने इन लोगों की भी डेट प्रिंट कराई थी, एंड आई रियली लव दिस वन। और कियान विहान हमारे लाइफ में एक बहुत पॉजिटिविटी लेके आए हैं, जितने भी हमारे यू नो बैड डेज थे वो सब ख़त्म हो गए। वी ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने को मन करता है। सो आई स्टार्टेड दिस चैनल फॉर देम ऑल्सो, ताकि मैं उनकी जर्नी को कवर कर सकूँ। लेटर ऑन आई कैन सी देम हाउ दे यूज़ टू बी, हाउ दे आर नाउ, यू नो एज अ मदर वो चीज़ बहुत स्पेशल होती है आपकी, एंड दिस इज़ द वन फ्रॉम देयर फर्स्ट बर्थडे। आई रियली बिलीव इन दिस थिंग, एंड ये मेरी US न्यूयॉर्क की फ़ोटोग्राफ है। आई होप आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे ही सारी पॉजिटिविटी मिले, यू ऑल्सो इन्जॉय, हैव फन अराउंड यू, योर सेल्फ, योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर किड्स, एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे कनेक्टेड।